नमस्कार फ्रेंड्स, मैं आपका एस्ट्रो फ्रेंड सुभाष शर्मा आज आपके लिए बेसिक एस्ट्रोलॉजी कोर्सेज की एक सीरीज़ लेकर आया हूं, जिसमें हम शुरू करेंगे फर्स्ट हाउस ऑफ द बर्थ चार्ट को लेके। तो हमारे बीच में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो एस्ट्रोलॉजी पढ़ रहे हैं और एस्ट्रोलॉजी को सीखना चाहते हैं, तो मैं इस तरह की पोस्ट पर काम करना अब शुरू किया है ताकि जो लोग एस्ट्रोलॉजी पढ़ रहे हैं उनके कुछ डाउट्स रहते हैं वो मेरी पोस्ट के थ्रू वो अपने क्लियर कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम आज बात करेंगे कि होरोस्कोप में कितने हाउसेज होते हैं, एक बर्थ चार्ट में कितने हाउसेज होते हैं, और हम वन ये पूरे जितने भी हाउसेज हैं, जैसे कि अगर मैं बात करूं कि कितने हाउसेज होते हैं, तो यहाँ एक बर्थ चार्ट और जितना भी हॉरोस्कोप है, जो भी अपने डिविजन चार्ट हैं, जो भी आपको मिलेंगे, उनमें 1 to 12 ही हाउसेज होंगे, और एक हाउस जो होता है वो 30 डिग्रीज का होता है। तो जब हम 30 डिग्रीज को मल्टीप्लाई करेंगे 12 हाउसेज से, तो वो 360 डिग्रीज हो जाएगा, यानी कि जो हमारा जोडियक है वो 360 डिग्री में 12 हाउसेज में डिवाइडेड है। तो आज हम बात करेंगे फर्स्ट हाउस की। देखिए, फर्स्ट हाउस जो होता है उसे हम असेंडेंट बोलते हैं। अगर आप चार्ट बनाएंगे ये सॉफ्टवेयर के थ्रू, तो यहाँ पर आपको लिखा हुआ आ जाएगा AS, कईयों में AS होता है, कईयों में डिपेंड करता है कि वो असेंडेंट लिख रहे हैं या AS लिख रहे हैं। वैसे ज़्यादातर आपको AS ही लिखा हुआ मिलेगा। तो AS का मतलब है असेंडेंट, असेंडेंट का मतलब है अगर हम हिंदी में कहें तो लग्न, और लग्न जो स्टार्ट हुआ वो 10 degree 28 minute में स्टार्ट हुआ। और अगर हम लग्न के असेंडेंट जो नक्षत्र की बात करें, तो लग्न के जो नक्षत्र हैं वो उत्तर भाद्रपद में जो इनका नक्षत्र पड़ा है, तो ये जो है असेंडेंट बना है मीन राशि का, यानी कि पाइसेस साइन का। पाइसेस साइन 10 degree 28 minutes और उत्तर भाद्रपद का नक्षत्र है। लग्न का नक्षत्र और मून का नक्षत्र अलग अलग कंसेप्ट हैं, इसके हम बारे में बाद में बात करेंगे। तो फिलहाल एक शॉर्ट में आपको बता दूं कि मून का नक्षत्र डिपेंड करता है नाम रखने में, और जितनी भी दशाएं और ये जो अंतर दशाएं कैलकुलेशन है इस मून के नक्षत्र से बेस होती हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं फर्स्ट हाउस की। तो फर्स्ट हाउस को लग्न मानते हैं, और लग्न ही होता है हमारे पूरी लाइफ को डिसाइड करने वाला कि हमारी ओवरऑल बॉडी फिजिक कैसी रहेगी, हमारा कॉम्प्लेक्शन कैसा रहेगा, हमारी बॉडी स्टेचर कैसा रहेगा, बहुत सी चीज़ें लगन से डिसाइड की जाती हैं। अगर लगन आपका अच्छा है कुंडली में, तो आप जीवन के किसी भी विपरीत परिस्थितियों को आराम से झेल जाओगे और आराम से आगे बढ़ जाओगे। तो हम बात करते हैं कि फर्स्ट हाउस ऑफ द लग्न से हम क्या क्या देखते हैं। हम इसमें बॉडी देखते हैं, यानी कि पूरी बॉडी स्ट्रक्चर क्या है, कैसा है। अगर मान लो लग्ना लॉर्ड कहीं पर अफ्लिक्ट होगा, तो बॉडी में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम रहेगी, यानी कि कष्ट रहेंगे देह को। सेकंड, जो हमारे लिम्स होते हैं, वेरियस लिम्स, ये भी यहाँ से देखे जाते हैं। हैप्पीनेस यहाँ से देखी जाती है, अनहैप्पीनेस यहाँ से देखी जाती है। बुढ़ापा कैसा रहेगा वो देखी जाती है, नॉलेज कैसी रहेगी आपकी वो देखी जाती है, आपका बर्थ किस कंडीशन में और कहाँ पर हुआ है वो देखी जाती है, जीवन में सक्सेस कितनी रहेगी वो देखी जाती है, आपके सपने और आपकी रियलाइजेशन ऑफ द ड्रीम्स वो देखी जाएगी, आपकी ओवरऑल स्ट्रेंथ कितनी है, आपकी मान सम्मान प्रतिष्ठा समाज में कितनी है वो देखी जाएगी। अगर आप पॉलिटिक्स से रिलेट करते हैं, तो पॉलिटिकल लाइफ भी आपकी इससे देखी जाती है। आपके जीवन कितना है, जीवन कैसा रहेगा, बीमारियाँ या किसी तरह की कोई संकट तो नहीं रहेगा जीवन पे, आपके जीवन में शांति कैसी रहेगी, एज यानी कि जो आपकी एज कितनी दिख रही है। और लग्न को अगर हम काल पुरुष कुंडली के हिसाब से देखें, तो लग्न फर्स्ट हाउस होता है, और फर्स्ट हाउस मतलब हमारा सिर का पार्ट होता है। तो सिर का पार्ट में हमारे जो बाल आ जाते हैं, आँख नाक मुंह कान, ये सब कुछ आ जाता है, तो ये भी यहाँ से देखी जाती है। हमारी यहाँ से फर्स्ट हाउस से अपीरेंस कैसी रहेगी, चेहरे की हाव भाव, ये सब कुछ देखा जाता है। सेकंड, रिस्पेक्ट ऑफ द इंडिविजुअल इन द सोसाइटी, यानी कि एक इंसान का एक समाज में रुतबा और मान सम्मान क्या है वो देखा जाता है, वो किस तरह से अपनी जीवन या जो जीवन को चलाएगा, किस तरह से अपने खर्चे जुटाएगा वो देखा जाता है। ठीक है,
और इसमें हम स्किन के बारे में भी देख सकते हैं कि स्किन कैसी होगी, स्किन को रिलेटेड अगर कोई इश्यूज हैं तो वो देखे जाएंगे। ठीक है, इसमें जो हम जितना भी पैसा कमाते हैं, क्या कंडीशन है, क्या वो जातक पैसा कमाने के लिए इच्छुक रहेगा या उड़ाने में रहेगा, वो सब कुछ देखा जा सकता है। इंसल्ट देखी जाती है जीवन में कि जातक को इंसल्ट किस किस एरिया में झेलनी पड़ेगी। ठीक है, तो अब लॉस भी देखे जाते हैं, डिफेमेशन यानी कि किस तरह से उनके मान सम्मान को ये सब कुछ ठेस पहुंचेगी या कैसा है ओवरऑल एस्पेक्ट, ये सारा का सारा लग्न से ही डिसाइड होता है। सबसे पहले लग्न को ही प्रेफरेंस दी जाती है ओवरऑल चार्ट में देखने के लिए। तो यहाँ पर हम अगर देखें तो लग्न को लग्न का लॉर्ड जो है बृहस्पति, लग्न का लॉर्ड बृहस्पति ये लग्न को ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं, मगर यहाँ पर जो है लग्न की युति शनि के साथ है और शनि 12th हाउस लॉर्ड है और 11th हाउस लॉर्ड है। यहाँ पर अगर हम षटबल को देखें, हम थोड़ा सा इनलार्ज कर देते हैं, आपको थोड़ा समझने में आसानी रहेगी। यहाँ पर अगर हम षटबल को देखते हैं तो षटबल में आप देख सकते हैं कि जो पोजिशनिंग ऑफ द प्लैनेट्स अकॉर्डिंग उसके क्या षटबल यानी कि ओवरऑल स्ट्रेंथ क्या है। यहाँ पर जुपिटर जो है एक सबसे वीक कंडीशन में यहाँ पर है और शनि ज़्यादा पावरफुल है। तो यहाँ पर हमें सबसे पहली प्राइमरी इम्पोर्टेंस क्या बन जाती है कि हमें लग्न लॉर्ड को स्ट्रेंथन करना है, मजबूत करना है। अगर हम लग्न लॉर्ड को मजबूत करेंगे तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा रहेगा और ये बहुत ज़रूरी बनता है कि लग्न लॉर्ड एक अच्छी पोजिशन में रहे। चलिए फ्रेंड्स, आज की इस पोस्ट में इतना ही। नेक्स्ट हाउसेस से रिलेटेड मैं पोस्ट लेकर फिर आपके सामने आऊँगा, तब तक के लिए थैंक यू। मगर मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप मेरी पोस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए और मुझे सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं आपके साथ जुड़ा रहूँ, मेरी आने वाले पोस्ट की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें। तब तक के लिए थैंक यू।